आवाज आ रही है तुम लोगों को? कैन यू हियर मी? यस सर। अब आपको पीपीटी भी दिख रहा है शायद से। पीपीटी दिख रहा है आप लोगों को? यस सर। तो वी आर बिगिनिंग विथ जो अपन ने अब तक स्कोप देख लिया है, फीचर्स देख लिए, और अभी अपन आज जो स्टार्ट कर रहे हैं वो है इम्पोर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन का क्या इम्पोर्टेंस है अपन उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। मैं नहीं दिख रहा ना अभी तक? मैं भी दिख रहा हूँ क्या? इम्पोर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन क्यों इसेंशियल है और इम्पोर्टेंट? कम्युनिकेशन इज इसेंशियल फॉर मैनेजमेंट। मैनेजमेंट क्या होता है? जो आप डेली लाइफ में मैनेज करते हो, जैसे आप आपका टाइम मैनेज करते हो, आपका कॉलेज का टाइम होगा समझो 7 से 11, 7 से 10, तो आप 7 से 11 जो टाइम मैनेज करते हो, फिर आपको 6 बजे उठना होता है, फिर 6:30 को आपको घर से निकलना है, आपका घर कॉलेज पास में, तो आप 10-15 मिनट्स में पहुंच सकते हो। वैसे ही बिजनेस कितना बड़ा होता है, अभी टाटा ग्रुप है, उनके अंदर 150 से 200 कंपनीज है, तो उनको कौन से इंसान को क्या मैनेज करना है ना, उसका रोल है। अभी आप देखो समझो एक 10 बाय 10 का घर है, तो मैनेज करने के लिए क्या ही होगा, दो 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 बार ऐसे झाड़ू मारा है कि खत्म, घर घर खत्म हो गया, ठीक है? तो मैनेज करने के लिए कुछ नहीं है वहां पे ज्यादा, मतलब एक ही इंसान मैनेज कर सकता है पूरा घर 10 मिनट में। बर्तन कितने होंगे 10 बाय 10 में, अगर एक इंसान रहता है, एक इंसान के बर्तन कितने होंगे, 4 या 5। अगर वही आप मुकेश अंबानी के घर में जाओ तो वहां पे कितने हजार लोग काम करते हैं। अभी उनके यहाँ पे फ्लोर 30 है और 200 से 300 गाड़ियां है, तो मैनेजमेंट कैसी है, मतलब 300 गाड़ियां है तो 50-60 ड्राइवर होंगे, उनकी गाड़ियां भी उतनी यूज होती होगी ना, 10-15 गाड़ियां एक इंसान यूज करता होगा, एक इंसान के लिए 10-15 ड्राइवर होंगे, तो क्योंकि वो अकेला इंसान नहीं निकलता है कभी, तो वो कैसे होता है, कम्युनिकेशन से होता है। कम्युनिकेशन इज एसेंशियल फॉर मैनेजमेंट। अगर आपके घर पे समझो कोई बाई आती काम करने के लिए, तो आप उसको कम्युनिकेट करते हो कि आज ये साफ करना है, आज वो साफ करना है, अभी डेली रूटीन है। अभी कुछ कुछ चीजें, अभी समझो घर में जो कांच वगैरह लगी रहती है, विंडोज वगैरह लगी रहती है, वो डेली साफ नहीं होती, वो कभी कभी साफ होती है। तो कम्युनिकेशन इज एसेंशियल फॉर मैनेजमेंट, कम्युनिकेशन इज एन इम्पॉर्टेंट फंक्शन इन द प्रोसेस। आवाज आ रही है ना अभी, और वीडियो भी दिख रहा है ना, और पीपीटी दिख रहा है क्या, वो बता दो मेरे को प्लीज। कुछ तो बोलो। ठीक है, कम्युनिकेशन इज एन इम्पोर्टेंट फंक्शन इन द प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट, मतलब कम्युनिकेशन इज एसेंशियल फॉर मैनेजमेंट, कम्युनिकेशन इज एन इम्पोर्टेंट फंक्शन
फंक्शन है कम्युनिकेशन, मतलब बात करना सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट फंक्शन है। कौन से प्रोसेस में? मैनेजमेंट के प्रोसेस में। विद द हेल्प ऑफ कम्युनिकेशन अ मैनेजर इज एबल टू गिव प्रैक्टिकल शेप टू मेनी ऑफ द प्लान्स एंड प्रोजेक्ट्स। अभी अपना प्रोजेक्ट और प्लान क्या है पता है? अपने को बीकॉम पास करना है और गोवा जाना है। अपने को बीकॉम पास करना है और गोवा जाना है, समझो। केकेसीए स्पॉन्सर कर रहा है गोवा की ट्रिप। किन किन लोगों के लिए? जिन्होंने बीकॉम के फुल 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 कोर्स लिया है और जिनको 60% प्लस मार्क्स आएंगे, मतलब जो डिस्टिंक्शन में पास होंगे उनके लिए स्पॉन्सर किया है। और बाकी लोगों को ऐसे ही नहीं छोड़ दिया, उनको उतना डिस्काउंट देंगे जितना ये है। तो ये क्या है? प्रैक्टिकल है। शेप टू मेनी ऑफ प्लान्स एंड प्रोजेक्ट्स। अभी अपना प्लान क्या है? बीकॉम पास होना। वो प्लान और प्रोजेक्ट क्या है? अपना प्रोजेक्ट गोवा है। लाइक गिविंग इन्फॉर्मेशन टू अदर्स रिगार्डिंग द फर्म्स ऑब्जेक्टिव्स, प्लानिंग, कोऑर्डिनेटिंग। अभी ऑब्जेक्टिव क्या होता है? आपका ऑब्जेक्टिव क्या है लाइफ में? कोई टाइप करके बताएगा या फिर कोई बोलेगा? ऑब्जेक्टिव्स क्या है आपके लाइफ में? चलो, किसी का ऑब्जेक्टिव होगा सीए बनना, सीएस बनना, सीएमए बनना। किसी का ऑब्जेक्टिव होगा मे बी किसी का ऑब्जेक्टिव होगा बैंकिंग क्लियर करना। तो ये सारे ऑब्जेक्टिव क्या हो गए? कम्युनिकेशन के थ्रू आपको मिलेंगे ये सारे ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है। आपको प्लानिंग करनी होगी। प्लानिंग कैसे होती है? प्लानिंग में आप शुरुआत में आपके गोल्स पता कर लेते हो, ऑब्जेक्टिव्स पता कर लेते हो, आपको कहाँ पे पहुंचना है, फिर आप उसको क्या कैसे अचीव करोगे ना, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। और कोऑर्डिनेटिंग मतलब आप अकेले जाओगे, किसी को साथ लेके जाओगे, ये सारी चीजें कोऑर्डिनेटिंग। एमबीए करना है। चलो अभी देखो, एमबीए करना है सबसे बढ़िया बात है। एमबीए करना है तो एमबीए करने के लिए टॉप इंस्टीट्यूट्स क्या है? आईआईएम है। आईआईएम के लिए आपको कैट देनी पड़ेगी, एंट्रेंस देनी पड़ेगी। आपका इंग्लिश सबसे ज्यादा स्ट्रांग होना चाहिए एमबीए के लिए, अगर आईआईएम से करना है तो इंग्लिश स्ट्रांग होना चाहिए, क्योंकि वहां पे जीडी होता है। जीडी बोले तो सर क्या गायतोंडे? नहीं, जीडी बोले तो ग्रुप डिस्कशन। ग्रुप डिस्कशन में आपको मार्किंग्स कैसे मिलती है, क्या होता है, वो उसके बारे में बताते हैं, पर आपको उसमें वो निकाल देते हैं। मतलब ग्रुप पहले तो मैथ्स स्ट्रांग होना चाहिए आपका, फिर इंग्लिश स्ट्रांग होना चाहिए आपका। अगर मैथ्स स्ट्रांग है ना तो आप कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम पास कर सकते हो, बराबर। फिर आपके ग्रुप डिस्कशन में वो चेक करते हैं आपके बात करने का वगैरह तरीका। अकॉर्डिंग टू कूट्स कूट्स एंड ओडोनल, इफेक्टिव प्लानिंग एग्जिस्ट वेयर एवरी रिस्पॉन्सिबल पर्सन पजेसेस रिक्वेजिट इंफॉर्मेशन पर्टेनिंग टू हिज ओन फील्ड एज फार एज पॉसिबल। दिस इंफॉर्मेशन शुड बी स्पेसिफिक एंड डिटेल्ड। अभी देखो, आपको इंस्टाग्राम के बारे में सबसे ज्यादा नॉलेज है। आप यंग जनरेशन हो, आपको इंस्टाग्राम हो गया, स्नैपचैट हो गया, टिंडर हो गया, ये सारी एप्लीकेशन जो न्यू न्यू एज एप्लीकेशन है उनके बारे में ज्यादा पता है। हम मेरे को थोड़ा सा कम पता है, और अगर मुझसे और 20 साल पुराना कोई टीचर है तो उसको और कम पता है, बराबर है। तो आपका जो कोर एरिया है उसके बारे में आपको ज्यादा इंफॉर्मेशन होती है। तो यू नीड टू नो अबाउट इंफॉर्मेशन पर्टेनिंग टू योर हिज ओन फील्ड। अभी मुझे बिजनेस कम्युनिकेशन के बारे में अच्छे से पता है, मेरा बिजनेस भी है और मैं कम्युनिकेशन भी कर रहा हूँ, ठीक है। बिजनेस होना इज अ गुड थिंग इन इंडिया। इफेक्टिव प्लानिंग होना चाहिए, एग्जिस्ट वेयर एवरी रिस्पॉन्सिबल पर्सन पजेसेस रिक्विजिट इंफॉर्मेशन। रिक्विजिट मतलब जो अप्रोप्रिएट है, जितनी चाहिए उतनी। हाँ, एडिशनल इंफॉर्मेशन होना ठीक है, पर रिक्विजिट मतलब जितनी अपने को जरूरत है उतनी। बेसिस क्या है प्लानिंग का? द प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट इज प्लानिंग एंड इट्स सक्सेस डिपेंड्स ऑन अपॉन इफेक्टिव कम्युनिकेशन। अब देखो, वो आप कोई भी चीज प्लान करो, आप चीजें प्लान करोगे ना, आपको इफेक्टिव कम्युनिकेशन होगा तो ही आपका प्लान अच्छा बन सकता है। इफेक्टिव कम्युनिकेशन होगा तो ही आपका प्लान अच्छा बन सकता है। मतलब आप प्लान बनाते हो, समझो मूवी जाने का आप प्लान बनाते हो। अभी कौन सी बॉयज 3 आई है शायद? बॉयज 3 है या कौन सी है? हाँ, बॉयज 3 है, समझो मराठी मूवी है। तो भी समझो आपके आपके क्लास में है ना 100 बच्चों की बैच है आपकी, और उसमें से 30 बच्चे ऐसे जिनको मराठी नहीं आती। तो क्या हो गया? 30 बच्चे वहीं पे कट हो गए। आपका कम्युनिकेशन ही नहीं रहा अच्छे से, आपका प्लान ही अच्छा नहीं रहा। 70 बच्चों में से ऐसा हुआ कि बॉयज 3 कुछ लोगों ने टेलीग्राम पे डाउनलोड करके देख ली, 20 बच्चों ने। अब बचे 50, तो उन्होंने भी अच्छे से कम्युनिकेट नहीं किया। तो अपन देखो, कोई फंक्शन होता है घर में तो कम्युनिकेशन के साथ कॉल जाता है, पत्रिका जाती है,
तो ये सारा कम्युनिकेशन का पार्ट है. द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द मैनेजमेंट इज प्लानिंग एंड इट्स सक्सेस डिपेंड्स अपॉन इफेक्टिव कम्युनिकेशन. इफेक्टिव मतलब क्या? अच्छा तगड़ा कम्युनिकेशन. कुंस एंड ओडोनल अपॉइंट अपॉइंट मतलब क्या पता है? ओपिनियन देना. दैट प्लानिंग इज इफेक्टिव वेयर एवरी कंसर्न पर्सन कलेक्ट इंफॉर्मेशन हैविंग सम बेयरिंग्स ऑन द एरिया ऑफ प्लानिंग. ठीक है, मतलब जब आपके पास प्लानिंग के बारे में नॉलेज है तो ही आप प्रॉपरली कम्युनिकेट कर पाओगे. दिस इंफॉर्मेशन शुड बी स्पेसिफिक. यहाँ पे दो तीन बार लिखा, ऊपर भी लिखा है, स्पेसिफिक एंड डिटेल्ड. डिटेल्ड इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कोई भी. बिसाइड्स कम्युनिकेशन इज द ओनली मीडियम टू एक्सप्रेस. एक्सप्रेस मतलब क्या? आपकी जो फीलिंग्स है. अभी आप ऐसे एकदम ऐसे मुंडी नीचे करके या म्यूट करके बैठोगे हर बार और नहीं दिखोगे मुझे, तो मुझे नहीं पता चलेगा ना आपका आपके एक्सप्रेशंस क्या है. अभी आप लोग हो तो आपका एक्सप्रेशन कैसा है वो मुझे नहीं समझेगा. बरा एक्सप्रेस एंड ट्रांसमिट ऑल द ऑर्डर्स गाइडलाइंस सजेशंस एंड सेंटिमेंट्स. सेंटिमेंट्स मतलब भावना, फीलिंग्स, सेंटिमेंट्स. ठीक है, सजेशन. सजेशन क्या है? अभी समझो आप मुझे मुझे किसी ने पूछा ब्रह्मास्त्र देखने जाओ क्या, मैंने उसको सजेशन दिया, देख भाई अगर दिमाग का दही करना है तो जा बिंदास ब्रह्मास्त्र देखने, मतलब वाहियात मूवी है ऐसा. तो गाइडलाइंस क्या है? अगर ब्रह्मास्त्र देखना है तो अच्छा ब्लैंक, अच्छा सा स्वेटर वेटर पहन के जाओ, मस्त फुल एसी में जाके 3 घंटा सो जाओ आराम से, तो वो गाइडलाइन हो गई. 3D मूवी देखनी है तो चश्मा है, ये गाइडलाइन है तुम्हारी. ऑर्डर क्या है? तुम वहां पे जाके पॉपकॉर्न की ऑर्डर दे रहे हो तो कम्युनिकेट करते हो ना तुम. ठीक है, efficient communication is needed to successfully implement the planned programs. कोई भी program planned है, अभी समझो आपको घर में वो program करना है. कौन सा program करना है? Night out करना है आपको घर में, तो ये एक program है अपना. इतना national level का program नहीं है पर एक छोटा सा program है. अभी समझो आपके सारे दोस्त लोग आए, cousin लोग आए या जो भी आपका जैसा भी group है, आपने plan किया एक night out करना है, तो ये program हो गया. ये कब proper होगा? जब communication होगा आपका आपस में. देखो कैसा ये सेट गोल, आइडेंटिफाई ऑडियंस, डिसाइड क्रिएट मैसेज, मेजर असेस कॉन्टेक्स्ट और डिसाइड टैक्टिक्स. टैक्टिक्स मतलब क्या? तौर तरीके. टैक्टिक्स मतलब तौर तरीके. ठीक है, बेसिस ऑफ डिसीजन मेकिंग क्या है? मतलब क्या बेस पे आपने डिसीजन लिया है? आपने बीकॉम में आने का डिसीजन कौन से बेस पे लिया है? एमबीए करना है वो बेस पे लिया, बराबर. सेकंड, आपने आपके दोस्तों से बात की जो ऑलरेडी बीकॉम में है, जो ऑलरेडी कॉमर्स फील्ड में है, बराबर. कम्युनिकेशन हेल्प्स द टॉप मैनेजमेंट इन टेकिंग क्विक डिसीजंस. अभी कम्युनिकेशन, अभी देखो आप समझो आपका ना एक बहुत, आप समझो गोवा में घूम रहे हो, आपके पास फोन नहीं है तो आप कम्युनिकेट कैसे करोगे? बाजू वाले का फोन लेके, बराबर, या फिर आप कैसे और दूसरा कौन सा तरीका है कम्युनिकेट करने का? आप लेटर तो नहीं भेजोगे ना गोवा से. आप समझो आज गोवा से लेटर भेजोगे और वो पहुंचेगा 3 दिन बाद, उसके पहले तो आप ही घर पहुंच जाओगे. तो कम्युनिकेशन हेल्प्स द टॉप मैनेजमेंट इन टेकिंग क्विक डिसीजंस. Authorities will not reach any worthwhile decision in the absence of communication. अभी देखो दो लोग होते हैं, दो दोस्त होते हैं, दो दोस्त होते हैं ना, उनमें कम्युनिकेशन ही नहीं हो रहा है तो रिश्ता इवेंचुअली टूटने वाला है. शुरुआत हो चुकी है, अगर बात ही नहीं हो रही है तो दूर 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 जाते जब एक वक्त के बाद ब्रेकअप हो जाएगा, बराबर. आपको समझ रहे? देखो ये बहुत क्लोज है, ये दोनों बहुत बात कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, टच में, कनेक्ट में. अब आप मुझे बताओ, चलो कम्युनिकेशन कितना इंपॉर्टेंट है ये आप ही मुझे बताओगे. ठीक है, आपके फर्स्ट स्टैंडर्ड के फ्रेंड्स हैं आज तक आपके टच में? नहीं. आपको याद है आपने 5th या 6th में वादा किया था सारे दोस्तों से कि अपन लाइफ टाइम साथ रहेंगे, फिर आप 10th में आए, 10th में अरे अब तो फाइनल है, 10th वाले अपन सारे फेयरवेल के टाइम पे अरे अपन सारे सेम कॉलेज में एडमिशन लेंगे. फिर 11th में आपने देखा यार अपनी तो 120 बच्चों की बैच थी, मतलब 10th के बाद. हाँ 10th के बाद 11th में भाई ना आधे लोग तो साइंस में चले गए, आधे लोग ही अपने कॉमर्स में आए, 60 बच्चे वहां चले गए, 60 बच्चे यहाँ. फिर 11th में कुछ फेल हो गए, फिर 12th में देखा तो 20-30 ही है,
उसमें से अपना आधों के साथ तो जमता नहीं है, तो 10 ही दोस्त है अपने। फिर 12th में अपन ने वादे किया आपके, अपन 10 एकदम बढ़िया दोस्त है। फिर वो 10 में से तो 2 ने तो आर्ट्स ले लिया, 2 पुणे चले गए, 2 मुंबई चले गए, बचे अपन 2 ही नासिक में। ये क्या हो गया भगवान, तो एब्सेंस हो गया। अभी अभी आप जो दोनों यहाँ पे रह रहे हो, जो दोनों सेम सिटी में है, जैसे समझो पुणे में है या नासिक में, तो उन दोनों का कम्युनिकेशन कितना है, और जो दो दूर रह रहे हैं उनका कम्युनिकेशन कितना है। तो वैसे ही इसमें भी होता है, अथॉरिटीज विल नॉट रीच एनी वर्थवाइल डिसीजन इन एब्सेंस ऑफ कम्युनिकेशन। मतलब एब्सेंट हो गया कम्युनिकेशन, क्रूशियल डिसीजंस आर टू बी टेकन एट एवरी स्टेप इन अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। क्रूशियल डिसीजन मतलब क्या है, इंपॉर्टेंट डिसीजन लेने रहते हैं, आर टू बी टेकन एट एवरी स्टेप इन अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड एट डिफरेंट लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। डिफरेंट लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट सॉल्यूशंस आर टू बी फॉर्मड। बिजनेस एक्टिविटीज आर लाइफलेस विदाउट कम्युनिकेशन। मतलब अभी कोई भी रिश्ता है, आप बिजनेस को ना एक रिश्ता समझो, आप अपने दिल का सबसे एक बिजनेस कैसा होता है पता है, एक बच्चा होता है बिजनेस, एक एक बेबी बॉर्न होता है ना, वैसे एक बिजनेस बॉर्न होता है, उसको स्टार्टअप बोलते हैं। जैसे आप आपके बच्चे को कैसे संभालते हो, वो पैदा होता है तो उसका फर्स्ट डे पे सबको लाडू पेड़े मिठाई बांटते हो, वैसे बिजनेस का उद्घाटन करते हो आप, उसको 9 महीने लगता है बड़ा होने में, बच्चे मतलब बच्चा पेट में रहता है, तो वैसे बिजनेस आपके दिमाग में रहता है। अभी आपने सोचा आपको कैफे खोलना है, स्टारबक्स खोलना है, ठीक है, ये आपके दिमाग में। फिर आप उसकी फ्रेंचाइजी लोगे, या जैसा भी उनका फ्रेंचाइजी मिलता नहीं है स्टारबक्स का, तो गलत इन्फॉर्मेशन नहीं दूंगा मैं, तो आपने तो सोचने लगे। बस ये एग्जाम्पल के लिए मैं बता रहा हूँ आपको, कि आपने सोचा समझो आपको कोई भी कॉफी शॉप खोलना है, तो आपके दिमाग में ये आइडिया आ गया, जैसे एक बच्चा पेट में होता है वैसे ही दिमाग में आइडिया आ गया। तो ये आइडिया आपको आया, आपने पैसा लाया, आपने आपके दोस्तों से मांगा 1-1 लाख रुपए, आपके सारे दोस्त अमीर थे, सबने आपको 1-1 लाख रुपए दे दिए, 10 लाख में आपने कैफे चालू कर दिया, रेंट से लिया हुआ, ठीक है। तो ये दिमाग से आइडिया आया, आपको 6 महीने लग गए कैफे का फर्नीचर वगैरह बनाने में, आपने वो कैफे बढ़िया सा चालू किया, फिर 1-9 महीने बाद उसका उद्घाटन किया आपने, आपने समझो जो भी प्राइम मिनिस्टर है उसको बुलाया, या फिर जो भी सीएम है उसको बुलाया, वो कैफे के ओपनिंग के लिए क्यों आएगा भाई, बुला ले, तुम्हारी पहचान है, तो उसने फीड बिट काटा उसका। तो ये क्या हो गया, स्टार्टिंग हो गया, इनोग्रेशन हो गया। फिर ये क्यों हुआ, कम्युनिकेशन की वजह से हुआ, आइडिया आया आपको माइंड में। तो वैसे क्रूशियल डिसीजंस आर टू बी टेकन एट एवरी स्टेप इन अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड एट अ डिफरेंट लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। सॉल्यूशंस आर टू बी फॉर्मड। बिजनेस एक्टिविटीज आर लाइफलेस विदाउट कम्युनिकेशन एंड इन द सेम फैशन एज द ह्यूमन बॉडी इज मियर कॉर्प्स इन द एब्सेंस ऑफ सोल। मतलब धंधे में अगर कम्युनिकेशन नहीं है तो आत्मा ही नहीं है। कम्युनिकेशन क्या है, आत्मा है धंधे की, ठीक है। इन शॉर्ट इट कैन बी सेड दैट मैनेजरियल डिसीजंस आर पुट इनटू प्रैक्टिस विद द हेल्प ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन की वजह से सारे एक्टिविटीज हो रही है ना यार, समझ रहे हैं अभी तक, कि सो रहे हो तुम लोग। ना बात करते हो ना कुछ करते हो, क्या करते हो, समझ नहीं आ रही। ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं। सक्सेसफुल ऑपरेशन ऑफ बिजनेस। अभी आपने बिजनेस स्टार्ट किया तो सक्सेसफुल करना ही पड़ेगा उसको। कोई नुकसान के लिए धंधा करता है क्या, बताओ मेरे को, कैसा आपने माइंड में सोचा यार, नहीं यार भारी नुकसान करेंगे अपन, हाँ इतना भारी धंधा खोलते कि नुकसान ही नुकसान करेंगे, नुकसान ही नुकसान करेंगे। कितना भी वाहियात धंधा हो, हर एक इंसान यही सोचता है कि प्रॉफिट हो, पैसा चाहिए ना यार। सक्सेसफुल ऑपरेशन ऑफ बिजनेस अ वेल डेवलप्ड कम्युनिकेशन सिस्टम इज नेसेसरी। अभी देखो आपका बिजनेस कम्युनिकेशन कब होगा अच्छा, जब वेल डेवलप्ड कम्युनिकेशन सिस्टम। कम्युनिकेशन सिस्टम क्या पता है, जो आपका टेलीफोन है मोबाइल, फिर आपका फैक्स मशीन, टेलीफोन मोबाइल, फिर आपका कंप्यूटर पे आता है वो एनी डेस्क, ये सारे कम्युनिकेशन सिस्टम है। तो कम्युनिकेशन सिस्टम इज नेसेसरी फॉर द सक्सेसफुल एंड स्मूथ वर्किंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। बराबर, कैसा होगा, स्मूथ होना चाहिए, सक्सेसफुल होगा, सक्सेसफुल होगा तो स्मूथ होगा, स्मूथ होगा तो सक्सेसफुल होगा, क्या क्या लग रहा है आपको, स्मूथ होगा तो सक्सेसफुल होगा, ठीक है, स्मूथ होगा तो सक्सेसफुल होगा, है ना। आपको अगर कुछ मेरे को बताना है, मैं अगर एकदम स्मूथ तरीके से बता सकता हूँ तो ही मजा आएगा ना। स्मूथ मतलब आसान, सिंपल भाषा में, ठीक है। कंप्लीट
Communication plays a very useful role in any business enterprise, be it large, small, public or private. देखो धंधा कितना भी बड़ा हो छोटा हो कैसा भी हो कम्युनिकेशन तो होता ही होता है. ठीक है समझ रहे हैं कम्युनिकेशन. फोटो देख लो दो मिनट के लिए. हुए कौन कौन है इसमें पीपल है मीडिया है राइटिंग है रीडिंग है लिसनिंग है मैसेज कनेक्शन डिस्कशन क्विक डिसीजंस एंड देयर इम्प्लीमेंटेशन. ठीक है effective communication helps managers to take prompt decisions. prompt मतलब क्या बेटा prompt decisions मतलब है ना immediate decisions मतलब आपके चप्पल टूट गए रास्ते में दो ऑप्शन है आपके पास. आप कहीं समझो जा रहे थे आप गणपति के दर्शन करने जा रहे थे गणेश गणेश जी के दर्शन करने जा रहे थे आप समझो. ठीक है तो आपके रास्ते में चप्पल टूट गई तो दो ऑप्शन है. ऑप्शन नंबर वन क्या जो साइड में मोची बैठा है उससे आप रिपेयर करवा लो. ठीक है मतलब वो आपके 10-15 रुपए लेगा आपके चप्पल सील के दे देगा. ऑप्शन नंबर टू नई चप्पल लेके आओ. ऑप्शन नंबर टू क्या है नई चप्पल खरीद लो. दुकान दिख गए रास्ते में तो आप खरीद लोगे बराबर आपको 1000-2000 की नई चप्पल आ जाएगी आपके. तो दो ऑप्शन है तो. प्रॉम्प्ट डिसीजन क्या है आपको लेना है डिसीजन 1500 रुपए या 1500 रुपए अपना जो बजट बोले वो करो. ठीक है प्रॉम्प्ट डिसीजन. Different types of information, facts. Information क्या है पता है आपको? Information मतलब जो आपको ऊपर ऊपर से पता है. आपके पास मतलब कोई चीज की information है. यार इसकी information है क्या तेरे पास? ठीक है चलो. क्या क्या भाव चालू है गोल्ड का? 50,000 से 55,000 के बीच में. तो ये information हो गई. ठीक है? Facts. Fact क्या है? मतलब ये चीज वैसी की वैसी है. सच्ची है ये चीज. कि मतलब वहां पे बाबरी मस्जिद की जगह पे अयोध्या में राम मंदिर था. ये फैक्ट है. ठीक है डेटा डेटा क्या है डेटा इंफॉर्मेशन के बाद आता है ना इंफॉर्मेशन पहले आती है और फिर डेटा आता है. डेटा ऑर्गेनाइज्ड इंफॉर्मेशन है. ऑर्गेनाइज्ड इंफॉर्मेशन मतलब डेटा एकदम प्रॉपर है वही वही चीज के बारे में बताती है जिस चीज के बारे में अपने को चाहिए उसको डेटा बोलते हैं. सजेशंस एंड कंप्लेंट्स. कंप्लेंट्स क्या है आप हमेशा कंप्लेंट करते हो. किस चीज के बारे में कंप्लेंट करते हो इंडिया में लाइट जाती है उसके बारे में कंप्लेंट करते हो ये क्या हो गई कंप्लेंट हो गई. कम्युनिकेशंस एंड देन दिस आर फर्स्ट कलेक्टेड थ्रू कम्युनिकेशन एंड डिसेमिनेटेड अमंग द डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ पर्सनल इन द ऑर्गेनाइजेशन विद द हेल्प ऑफ कम्युनिकेशन मीडियम्स. कम्युनिकेशन क्या करता है इंक्रीज इन एम्प्लॉय मोरल. मोरल और मोटिवेशन दो अलग चीज है. अभी आपके इसमें कैसा दिया है उसके बारे में अपन देखेंगे. इसके आपके इसमें डिफरेंशिएशन तो नहीं दिया है अभी मोटिवेशन और मोरल का. पर आप बोलोगे कि सर पीछे तो दिया था कि कम्युनिकेशन मोटिवेशन इंसान का मोटिवेशन बढ़ाने के लिए दिया करते हैं तो आप बोलोगे कि सर ये पॉइंट सेम है. नहीं बेटा ये अलग है. मोरल क्या है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन आर इजीली ट्रांसमिटेड टू एम्प्लॉइज थ्रू इफेक्टिव कम्युनिकेशन. द सिस्टम एक्सप्लेन्स टू एवरी वर्कर हिज एरिया ऑफ ऑपरेशन हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड वे टू डू वर्क इफिशिएंट. मतलब क्या है समझ रहा है ओके. द सिस्टम एक्सप्लेन्स टू एवरी वर्कर हिज एरिया ऑफ ऑपरेशन. एरिया ऑफ ऑपरेशन मतलब क्या उसका कितना इलाका है काम करने का. हिज एरिया ऑफ ऑपरेशन जो उसका खुद का इलाका कितना है काम करने का बस उतने इलाके में देखते हैं वो लोग. ठीक है हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब उसकी जिम्मेदारी कितनी है एंड वे टू वर्क इफिशियंटली. इफिशियंटली मतलब एकदम अच्छे तरीके से काम करना एकदम प्रॉपरली काम करना. तो ये कम्युनिकेशन के थ्रू बताया जाता है. दस ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट्स अक्वेंट एवरी वर्कर विद द वर्क ही हैज टू डू एज वेल एज व्हेन एंड हाउ इट इज टू बी परफॉर्म. मतलब कैसे परफॉर्म करना है एंड व्हाट आर द राइट्स टुवर्ड्स हू एंड टू हू इज अकाउंटेबल. मतलब समझा कुछ नहीं समझा. ठीक है मतलब उसके राइट्स क्या है. अभी आपने उसको कुछ काम दिया है रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है तो उसको राइट्स भी देने पड़ेंगे ना. तो उसके राइट्स क्या है और वो किसको रिस्पॉन्सिबल है अकाउंटेबल. मतलब अभी आप वो समझो आप घर वाले घर घर से 100 रुपए लेके जाते हो मम्मी से सब्जी लाने के लिए तो रिटर्न आके पैसे मम्मी को ही देते हो ना बचे हुए पैसे. तो आप क्या हो गए अकाउंटेबल हो गए उस चीज के लिए. तो आप अकाउंटेबल हो. ठीक है
दस वर्कर्स आर मोटिवेटेड ऑटोमेटिकली टू टेक इंटरेस्ट इन देयर जॉब्स. मतलब अगर उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलती है, उनको अकाउंटेबिलिटी मिलती है, तो वो मोटिवेट होते हैं काम करने के लिए. एम्प्लॉयज गेट ग्रेटली अटैच्ड टू द एंटरप्राइज व्हेन देयर इज कंटिन्यूअस एक्सचेंज ऑफ आइडियाज इन्फॉर्मेशन बिटवीन मैनेजर एंड एम्प्लॉयज. अभी देखो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, वहां पे मैनेजर और एम्प्लॉयज के बीच में कंटिन्यूअस बात होती है ना, तो मजा आता है काम करने में. ठीक है. This also raises their morale and they strive hard for implementation of various programs with vigor and zeal. Vigor and zeal मतलब एकदम उत्साह से काम करना, एकदम जोश से काम करना. How is the जोश वाला सीन? ठीक है, उमंग उत्साह और जोश उससे काम करना. देखो कैसा ही है ये, एकदम वाहियात ऑर्गेनाइजेशन है. रेड कलर में आपको जो एकदम नीचे दिख रही है चक्र है, ये सेमी सर्कल है, उसमें रेड कलर में जो एकदम लास्ट में दिख रही है वो रिलायंस है, और जो ग्रीन में एकदम टॉप पे है वो टाटा है. टाटा के एम्प्लॉयज हमेशा खुश रहते हैं. ठीक है. प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्रियल पीस. कैसे इंडस्ट्रियल पीस मतलब क्या, जो इंडस्ट्री में काम करते हैं, कंपनी में काम करते हैं, फैक्ट्री में काम करते हैं. पीस इज नेसेसरी इन द ऑर्गेनाइजेशन. अगर आप घर में भी रहते हो तो आपको क्या चाहिए, पीस चाहिए. ए डोक्याला शांति दे थोड़ी, ऐसे रहता ना आपका आले का नुस्ती कटकट लावली है तुम्हें, ये बोलते हैं ना लोग. पीस इज नेसेसरी इन द ऑर्गेनाइजेशन सो एज टू अचीव मोर प्रोडक्शन. मोर प्रोडक्शन बोले तो सर, अरे सिंपल है ना. जब आप अभी देखो, आप सुबह सुबह ना ब्रेकफास्ट करने आए और दो लोग लड़ रहे हैं समझो, तो आपका ब्रेकफास्ट कैसा जाएगा, आपका दिमाग का धी हो जाएगा, मतलब दिमाग खराब हो जाएगा. आप पढ़ पाओगे क्या? नहीं पढ़ पाओगे. वही शांति का माहौल है, एकदम कोई नहीं कुछ नहीं, एकदम चिल में चल रहा है सब, तो आप कितना अच्छे से पढ़ पाओगे. तो वैसे ही अगर एम्प्लॉयज को शांति वाला माहौल मिलेगा तो उनका प्रोडक्शन डबल हो जाएगा, ट्रिपल हो जाएगा, बढ़ जाएगा. लॉन्ग स्ट्राइक्स एंड लॉकआउट्स ब्रिंग द फर्म टू वर्ज ऑफ इनसॉल्वेंस. मतलब क्या है, अभी बहुत सी कंपनियां हैं जहां पे ना लॉकआउट होते हैं, स्ट्राइक होते हैं. स्ट्राइक मतलब क्या, विरोध है ना, तो उसकी वजह से क्या होते हैं, इनसॉल्वेंसी हो जाती है. इनसॉल्वेंसी मतलब धंधा बंद हो जाना, बराबर. एम्प्लॉय शुड गेट प्रॉपर इंफॉर्मेशन अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन एट रेगुलर इंटरवल्स टू अवॉइड मिसअंडरस्टैंडिंग. अभी मिसअंडरस्टैंडिंग क्यों होती है, आपको किसी ने गलत इन्फॉर्मेशन दी तो मिसअंडरस्टैंडिंग होगी, मुझे किसी ने गलत इन्फॉर्मेशन दी तो मिसअंडरस्टैंडिंग होगी. तो वैसे ही एम्प्लॉयज में भी मिसअंडरस्टैंडिंग क्यों होती है और कब होती है, अगर एम्प्लॉयज है और ये लोग है कौन, एम्प्लॉयर है मतलब जो कंपनी है अभी, तो उनके बीच में अगर कोई झगड़ा हो रहा है तो मिसअंडरस्टैंडिंग है. ठीक है. फिर अभी एक एग्जाम्पल है टाटा का. टाटा ने, रतन टाटा जब जमशेदपुर गए थे तो वो एम्प्लॉयज को सैलरी बहुत कम मिल रही थी, तो उनका स्ट्राइक चल रहा था, विरोध कर रहे थे, मोर्चा निकाला हुआ था उन्होंने. ठीक है. तो रतन टाटा ने उनसे पूछा कि, मैनेजर से पूछा कि ये लोग स्ट्राइक क्यों कर रहे हैं. दस ही मिनट की है क्या, आज कितना टाइम हो गया अपने को, एक मिनट ना बेटा. ओके चलो 10 मिनट से अपने पास हो रहा, पता ही नहीं सकता पढ़ाते वक्त. तो रतन टाटा जी ने उनसे पूछा कि ये लोग स्ट्राइक क्यों कर रहे हैं, तो उन्होंने बताया कि इनको सैलरी ज्यादा चाहिए. तो उनके जो मैनेजर है उन्होंने बोला कि आप इनको समझाओ कि अभी कंडीशन नहीं है सैलरी देने की. तो रतन टाटा खुद वो स्ट्राइक वालों के साथ जाके नीचे बैठ गए और उन्होंने बोला कि इनकी सैलरी बढ़ा के दो, जबकि रतन टाटा जी को ये समझाने भेजा था कि आप इनको समझाओ कि सैलरी नहीं दे सकते, पर रतन टाटा उनकी बाजू से बोलने लग गए, एम्प्लॉयज की बाजू से. तो देखो कंपनी के एथिक्स कितने सही है, वो इंसान के एथिक्स कितने सही है. समझा? मैं समझे, ठीक समझ गया. ओके बढ़िया. इफेक्टिव कम्युनिकेशन हेल्प्स इन मैनेजिंग इन्फॉर्मेशन बिटवीन एम्प्लॉयज एंड टॉप मैनेजमेंट. टॉप मैनेजमेंट कौन है? टॉप मैनेजमेंट कौन है? सीईओ, सीएफओ, एमडी, ये टॉप मैनेजमेंट है. एकदम ऊपर जो बैठते हैं वो टॉप मैनेजमेंट है. आपके दादा दादी कौन है? टॉप मैनेजमेंट है. और एकदम नीचे के लेवल पे कौन है? आपको. ठीक है, टॉप मैनेजमेंट है. बेसिस फॉर लीडरशिप. इफेक्टिव कम्युनिकेशन इज एट द बेस ऑफ गुड लीडरशिप. इंडिया में दो लीडर है, एक के पापा प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, दादी प्राइम मिनिस्टर रह चुकी है, नाना प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, पड़नाना प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं,
दादी और कौन है घर में, मतलब उनके 7-8 लोग प्राइम मिनिस्टर रह चुके, और उन्होंने 60 से 70 साल उन्होंने ही कंट्री चलाई ऑलमोस्ट। मतलब इंडिया 75 ईयर्स हो गए ना आजाद होके, हाँ 75 या 76 ईयर्स हो चुके अपने को आजाद होके, और उन्होंने ऑलमोस्ट 60 से 65 ईयर्स उन्होंने चलाई अपनी कंट्री। तो वो एक लीडर है बाबा पप्पू, पप्पू, और दूसरा है गोदी मोदी, ठीक है। तो इफेक्टिव लीडरशिप किसकी है, एकदम बढ़िया लीडरशिप है, एकदम बढ़िया लीडरशिप है, बात अच्छा करता है, किसको भी मतलब सबको लेके चलता है, ऐसा इफेक्टिव लीडरशिप है। मतलब फेंकता बहुत भारी भारी है, तो ये मोदी है। मतलब कम्युनिकेशन बहुत तगड़ा है। अब उसने कल बोला कि सब इफेक्टिव कम्युनिकेशन कैसा होता है पता है ना आपको, इफेक्टिव कम्युनिकेशन ऐसा मतलब सामने वाला आपका विश्वास करने लग जाए, एकदम आप जो बोल रहे हो ना एकदम सच बोल रहे हो, एकदम सही बोल रहे हो, ठीक है। इफेक्टिव कम्युनिकेशन इज एट द बेस ऑफ गुड लीडरशिप। मतलब इफेक्टिव कम्युनिकेशन एक गुड लीडरशिप का एक बेस है, गुड लीडरशिप का, ठीक है। अ लीडर्स रोल इज पैसिव इन द एब्सेंस ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ हिज आइडियाज सेंटिमेंट्स। अभी आइडिया क्या है मोदी की, पूरा देश बेच देना, ये आइडिया है। तो उन्होंने शुरुआत कैसे की, LIC से शुरुआत की, पहले LIC बेचा, अभी IOCL बेचेंगे, BPCL बेचेंगे, धीरे धीरे अलग अलग कंपनियां बेचेंगे गवर्नमेंट की। तो ये आइडिया है। सेंटिमेंट क्या है, सेंटिमेंट है क्या कि हिंदू राष्ट्र बनाना है, ये अच्छा सेंटिमेंट है, इसके लिए मेरा कोई अपोज नहीं है, ये होना चाहिए, योगी ही अगला प्राइम मिनिस्टर बनना चाहिए। तो ये सेंटिमेंट है। सेंटिमेंट्स क्या है, भावना है, आपकी जो फीलिंग्स है क्या है वो मेरी फीलिंग्स क्या है, ये मैटर करती है, ठीक है। आप बोलोगे कि सेक्युलर कंट्री होनी चाहिए, मैं बोलूंगा कि नहीं हिंदू कंट्री होनी चाहिए। तो ये फीलिंग्स है, भगवाधारी, इंडिया का फ्लैग हटा के ऑरेंज फ्लैग कर दो, ये मेरा सेंटिमेंट है। सजेशन क्या है, सजेशन लोग बोलेंगे कि अपन सबको मिलजुल के रहना चाहिए। अरे कैसे मिलजुल के रहेंगे, वो लोग मारते हैं, तुम मार खा लेते हो, तुम्हारे 4 लोगों को मार दिया वो, तो कैसा सजेशन है, वाहियत सजेशन है। एंड डिसीजन टू हिज सबॉर्डिनेट्स, तो आप क्या डिसीजन लोगे वो मैटर करता है, ठीक है। देयरफॉर विद द एड ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन अ लीडर एंड हिज फॉलोअर्स कैन क्रिएट म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग ट्रस्ट एंड हार्मोनी। अभी एक अच्छा लीडर है ना उसके कम्युनिकेशन से क्या क्या बनाएगा, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग करेगा, ट्रस्ट करेगा, हार्मोनी करेगा। अभी रतन टाटा जी एक्सेलेंट लीडर है, एक्सेलेंट लीडर है, एक्सेलेंट ओरिएटर है। उन्होंने क्या किया, टाटा ग्रुप का ट्रस्ट बढ़ाया लोगों में। टाटा ग्रुप तो पहले से ही मतलब एकदम सुपर्ब है, तो उन्होंने क्या किया, ट्रस्ट और ऊपर लेके गए वो, फिर हार्मोनी क्रिएट की। मतलब इंडिया की गवर्नमेंट उतना नहीं कर पाती इंडियन लोगों के लिए जितना टाटा ग्रुप कर देता है। मतलब टाटा ग्रुप इतनी चीजें देता है ना इंडिया के लोगों को, गवर्नमेंट की मतलब गवर्नमेंट दे भी नहीं पाएगा कभी, सोचेगा तो भी। कॉस्ट रिडक्शन, द प्रेजेंट कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड। अभी कॉम्पिटिशन कितना हो गया पता है, पहले CA का एग्जाम, मतलब CA कैसे होता था, BCom के बाद चालू होता, ग्रेजुएशन के बाद चालू होता था, अभी 12th के बाद चालू होने लग गया। अभी 12th के बाद चालू होने लगे, नहीं थोड़े साल पहले 12th के बाद चालू हो गया, अभी कैसे चालू हो गया पता है, 10th के बाद, और थोड़े साल पहले 10th के बाद चालू हो गया, 11th 12th में एडमिशन लेने लग गया, मतलब फाउंडेशन में। अभी सीधा 6th स्टैंडर्ड से चालू हो जाता है CA का पढ़ाई। 6th स्टैंडर्ड से बोले तो सर कैसे, मतलब उनको एकदम प्री, एकदम बेसिक बैच आती है, एकदम बेसिक बैच आती है उनको। इफेक्टिव कम्युनिकेशन, द प्रेजेंट कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड रिक्वायर्स एन ऑर्गेनाइजेशन टू बी कॉस्ट इफेक्टिव फॉर इंश्योरिंग इट्स सक्सेस। मतलब कॉस्ट इफेक्टिव रहना चाहिए, मतलब कम खर्चे में ज्यादा पैसे, कम खर्चे में ज्यादा पैसे। बस सांगा मैडम 5 मिनट आता। इफेक्टिव फॉर इंश्योरिंग इट्स सक्सेस। अभी देखो जमाना जैसे आगे आगे जाएगा ना वैसे वैसे खर्चा बढ़ता जाएगा, खर्चा बढ़ेगा, खर्चा बढ़ेगा, खर्चा बढ़ेगा। तो आपको यही खर्चा कम करना है। दूध पहले 10 रुपए लीटर था, 20 लीटर हुआ, 30 हुआ, 40 हुआ, अभी 60 या 65 रुपए लीटर है। तो अपने को क्या करना है, चीजें कम कम कम, खर्चा कम करना है, ट्राई करना। इफेक्टिव कम्युनिकेशन रिड्यूसेस द चांसेस ऑफ स्ट्राइक्स, लॉकआउट्स एंड इंडस्ट्रियल अनरेस्ट। बराबर, स्ट्राइक्स, लॉकआउट्स एंड इंडस्ट्रियल अनरेस्ट। बराबर, तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन से क्या होता है, स्ट्राइक कम होती है, अगर आप बातचीत करोगे तो उससे स्ट्राइक कम होगी, लॉकआउट कम होगे,
और इंडस्ट्रियल अनरेस्ट कम होगी, स्ट्राइक मतलब मोर्चे निकलते हैं वो। अभी देखो यूनिवर्सिटी, पुणे यूनिवर्सिटी है और बच्चे, अपने अपन और पुणे यूनिवर्सिटी दोनों में लड़ाई चल रही थी, आप रिजल्ट जल्दी लाओ, आप एग्जाम ऑनलाइन लो, तो बीच का मार्क क्या निकाला उन्होंने आपसे, आपके कॉलेज में एग्जाम होगी, कॉलेज तो एग्जाम में होती है, चेकिंग भी वहां पे होगी, पर पेपर इजी निकालो, गैप दो पेपर के बीच में। अपन ने मोर्चा किया तो उन्होंने अपने को सोल्यूशन दिया, लॉकआउट हुआ, फिर इंडस्ट्रियल अनरेस्ट हुआ, ठीक है, म्यूचुअल डायलॉग हुआ, किसके बीच में, लेबर और मैनेजमेंट के बीच में। तो यहाँ पे कौन था, मैनेजमेंट कौन थी, पुणे यूनिवर्सिटी वाले, बराबर, और अपन लोग बच्चे लोग, अपन के बीच में संवाद हुआ, ये सारा हुआ, तो बेटर वर्क रिलेशन हुआ। दिस लीड्स टू बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज एंड रिडक्शन इन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अभी देखो एम्प्लॉय से, एम्प्लॉयज क्या करेंगे, तोड़फोड़ कर देंगे कंपनी में, अगर तुमने अच्छे से पैसे नहीं दिए तो प्रॉब्लम हो जाएगा, बराबर। तो वैसे आप भी क्या करोगे, पुणे यूनिवर्सिटी में आपके कॉलेज में घुसोगे, आप सीधा सब कुछ तोड़ दोगे, फोड़ दोगे, तो उनका उल्टा नुकसान हो जाएगा। तो अपने को क्या करना है, कॉस्ट कम करनी है। हेल्थ मैनेजर इन परफॉर्मिंग मैनेजरियल रोल्स एंड फंक्शंस। चलो अभी ये दो पॉइंट्स अपन कर लेते हैं, नहीं कॉस्ट रिडक्शन तक रखते हैं, 9, 10, 11 और 12, 3 पॉइंट अपन कल करेंगे, ठीक है बेटा। कोई डाउट है किसी को अभी तक में, एनी डाउट्स? ऑफलाइन वाले को जो बाद में देखने वाले, अगर उनको कोई डाउट रहेगा तो दे कैन पुट देयर डाउट्स इन टेलीग्राम, और दे कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम @दिव्य बटवा। नहीं, ओके, आई होप आपको लेक्चर में अच्छा लग रहा है, मजा आ रहा है और आपको चीजें समझ रही, मतलब इसको एक प्रैक्टिकल तरीके से आप समझो, क्योंकि ये लाइफ में आपको हमेशा काम आने वाला है। ओके, थैंक यू वैष्णवी, थैंक यू नेहा, और आप सब जो ऑफलाइन में जुड़ने वाले उनको भी यही कहूंगा मैं, आप जो ऑफलाइन बाद में लेक्चर देखने वाले, अभी तो ये लाइव बैच है, दिस सेम विल बी प्रोवाइडेड। ओके, तो आपको इसको एकदम प्रैक्टिकल तरीके से समझना है, ताकि आप समझो इसको कि यही आपकी लाइफ है, यही आपकी जिंदगी में, आप कुछ भी करो, आप बीकॉम के बाद एमबीए करोगे, आप जॉब करोगे, कोई अपने बिजनेस स्टार्ट करेंगे, तो जब आप बिजनेस स्टार्ट करोगे ना आपके, तो आप उन सारे लोगों से बात करोगे, मतलब बहुत बहुत अलग अलग नए नए कस्टमर से बात करोगे, तो आपका कस्टमर्स भी उनके रिव्यू देंगे, क्या होगा कैसे होगा, वो आपको रिव्यूज देंगे, आपको बताएंगे कि कौन सी चीज कैसी रहेगी, तो आपको उनसे बात करने का तरीका आना चाहिए। अगर कुछ अच्छा सीखना है आपको, तो आप हमेशा एक स्टारबक्स जाओ, देखो कितने प्यार से कस्टमर से बात करते हैं, सर करके, मैम करके, वेलकम, ये वो, सो ये सारी चीजें सीखो, आप नई नई चीजें सीखो, कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा आपके लाइफ में। होप सो आप, तो आपको सब समझाए, आगे आपको कोई डाउट्स रहे तो आप बिंदास पूछ सकते हो, आपको इसमें नहीं रसम लग रहा है तो आप मुझे पर्सनली डाउट पूछ सकते हो। चलो गाइस, सी यू सून, टाटा, बाय बाय, मिलते हैं अगले लेक्चर में। यस, ओके, ऐसे एंड करते हैं मीटिंग।